हेलो फ्रेंड्स, जी पेट अड्डा अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी मलेरियल ड्रग्स को कम्प्लीटली एक ही वीडियो में कवर करूंगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे जी पेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट आज मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले यहां पे मैंने 11 ड्रग्स को इन्वॉल्व किया है, उनका क्लासिफिकेशन, उसमें उनकी ड्रग किस कैटेगरी से कौन सी ड्रग बिलोंग करती है, उसके बाद उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेक्स्ट कि वो ड्रग एथोसेटिक में कौन सी ड्रग इफेक्टिव है कौन सी इफेक्टिव नहीं है, फिर वो एक्ट कैसे करती है, फास्टली एक्ट करती है स्लोली एक्ट करती है, नेक्स्ट है कि लॉन्ग एक्टिंग है या शॉर्ट एक्टिंग है, फिर वो हिप्नोजॉइड्स या एक्सो एथोसेटिक स्टेज के अगेंस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, नेक्स्ट है गैमेट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, और लास्ट है प्री एथोसेटिक साइजोन्स के अगेंस्ट वो ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है। इस साल 11 ड्रग्स का मैंने सारा पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, पहली कैटेगरी 4 अमीनोक्विनोलोन जिससे ड्रग बिलोंग करती है क्लोरोक्विन, दूसरा है क्विनोलिन मिथिनोन कैटेगरी इससे ड्रग बिलोंग करती है मेफ्लोक्विन, नेक्स्ट है सिंकोना एल्कलॉइड इसमें ड्रग आएगी क्यूनिन, बिगोराइड कैटेगरी से बिलोंग करेगी प्रोग्वेनिन, फिर डाई अमीनो पाइरिमिडिन इससे ड्रग बिलोंग करेगी पाइरिमिथामिन, 8 अमीनो क्विनोलिन कैटेगरी से बिलोंग करेगी ड्रग प्राइमाक्विन, सल्फोनामाइड कैटेगरी से बिलोंग करेगी ड्रग सल्फाडॉक्सिन सल्फामिथोक्साजोल या डेप्सोन ड्रग, एंटीलेप्रोटिक ड्रग है डेप्सोन वो भी इस कैटेगरी में आती है, फिर है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के अंदर क्या की टेट्रासाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन, नेक्स्ट है सस्क्यूटरपीन लैक्टोन्स इसमें जो ड्रग आएगी वो होगी आर्टिमिसिनिन, आर्टिमिसिनिन कौन कौन से आर्टिमिथर आर्टीइथर ठीक है आर्टिसुनेट या आर्ट्रिनोलोन, फिर है अमीनो अल्कोहल इसमें ड्रग आएगी हेलोफेंट्राइन एंड ल्यूमिफेंट्राइन, नेक्स्ट है नेफ्थोपायरिडीन इसमें जो ड्रग आएगी वो आएगी पायरोनारिडीन। तो ये ड्रग है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो जीपेट में एक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोक्वीन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है या फिर प्राइमाक्वीन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, दोनों की कैटेगरी जैसे कि क्लोरोक्वीन की कैटेगरी क्या है 4 अमीनोक्विनोलिन, प्राइमाक्विन की कैटेगरी क्या है 8 अमीनोक्विनोलिन, दोनों की कैटेगरी मिलती जुलती है इस वजह से यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन में दोनों कैटेगरी मिलेगी ठीक है। ध्यान रखना 4 अमीनोक्विनोलिन कैटेगरी से ड्रग बिलोंग करती है क्लोरोक्वीन, 8 अमीनोक्विनोलिन कैटेगरी से बिलोंग करती है ड्रग हमारी प्राइमाक्विन। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एक्ट कैसे करती है, क्लोरोक्वीन मेफ्लोक्विन क्यूरिन यहां से ल्यूमिफेंट्राइन और पायरोनारिडीन ये पांचों ड्रग एक ही वे से एक्ट करती हैं। क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो जब एरिथ्रोसाइट के अंदर पेनिट्रेट करता है तो वहां पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो उसको डाइजेस्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा या डाइजेस्ट होगा तो वहां से हेम पार्ट अलग हो जाएगा, वो हेम पार्ट प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिक होता है, तो प्लाज्मोडियम क्या काम करता है उस टॉक्सिक हेम को नॉन टॉक्सिक हेमोजोन में कन्वर्ट कर देता है बाय पॉलीमराइजेशन। जब हम ये ड्रग देंगे क्लोरोक्वीन मेफ्लोक्वीन या क्यूनिन ल्यूमिफेंट्राइन या पायरोनारिडिन ये ड्रग क्या काम करेंगी, हेम को जो टॉक्सिक हेम है उसको नॉन टॉक्सिक हेम में कन्वर्ट होने से रोकेंगी, इससे क्या हुआ प्लाज्मोडियम के अंदर टॉक्सिक हेम की क्वालिटी बढ़ जाएगी और वो क्या काम करेगा सेल को सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, टॉक्सिक हेम जो किसमें कन्वर्ट होता है हेमोजोइन बाई पोलिमराइजेशन, तो हमारे ड्रग क्या काम करेंगे हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करेंगी, कौन कौन सी ड्रग क्लोरोक्वीन मेफ्लोक्विन क्यूनिन और यहाँ पे ल्यूमिफेंट्राइन और पायरोनारिडीन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है तीन ड्रग ऐसी हैं जो एंटी फोलेट ड्रग हैं जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, वो कौन सी है प्रोग्वेनिन पाइरिमिथामिन और सल्फोनामाइड, ये ड्रग क्या काम करती है पहला प्रोग्वेनिन और पाइरिमिथामिन का मैं बता रहा हूँ कि ये ड्रग क्या काम करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिएक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके एक्ट करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिएक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जबकि जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करके एक्ट करती है ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्राइमाक्विन, ये ड्रग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट है आर्टिमिसिन, ये ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिमिसिन ड्रग एक तो फास्टेस्ट एक्टिंग है, दूसरा क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक एंडो परऑक्साइड प्रेजेंट होता है ठीक है, जब वो एंडो परऑक्साइड हेम के कॉन्टेक्ट में आता है तो हेम के अंदर क्या होता है कि आयरन प्रेजेंट होता है, वो आयरन क्या काम करता है एंडो परऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे क्या होगा एंडो परऑक्साइड क्लीवेज होने से या ब्रेक डाउन होने से
फ्री रेडिकल्स है वो जनरेट होंगे, और वो फ्री रेडिकल्स क्या काम करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी मैकेनिज्म है, आर्टेमिसिनिन। ये हमारी मैकेनिज्म, वो एक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ सभी ड्रग्स का। नेक्स्ट स्टेप कि इनकी एक्टिविटी इंट्रोसाइटिक फेज। हमने क्या बताया था कि जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो मलेरिया के कहां पे डेवलप होते हैं, जब वो प्लाज्मोडियम एरिथ्रोसाइट्स के अंदर पहुंच जाता है। अगर लीवर के अंदर रहता है तो वहां पे वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, वहां पे मलेरिया के सिम्टम डेवलप नहीं होते। तो कौन कौन से ड्रग है जो प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर इफेक्टिव है, यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होगी। एक तो एक्टिविटी वो ड्रग प्लाज्मोडियम को एरिथ्रोसाइट्स के अंदर किल कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा ऑनसेट, वो फास्ट एक्ट कर रही है या स्लो एक्ट कर रही है। थर्ड है ड्यूरेशन, ये तीनों कहां पे एक्शन शो कर रहा है, एरिथ्रोसाइटिक फेज में। तो पहला है, जितनी भी ड्रग हैं उनमें से सिर्फ प्राइमाक्विन ड्रग एरिथ्रोसाइटिक फेज में इफेक्टिव नहीं है। जितनी भी जो 11 कैटेगरी मैंने शो किए, 11 में से सिर्फ प्राइमाक्विन ड्रग ऐसी है जो एरिथ्रोसाइटिक फेज के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। दूसरा, जो सल्फोनामाइड ड्रग है उसकी वीक एक्टिविटी है किसके अगेंस्ट, एरिथ्रोसाइटिक प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट या एरिथ्रोसाइटिक साइजोन्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो बाकी सभी ड्रग एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जो प्लाज्मोडियम एरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट है ये ड्रग उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ प्राइमाक्विन को छोड़ के। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये ड्रग फास्टली एक्ट करती है स्लोली एक्ट करती है। तो जब सभी ड्रग्स को आप देखोगे तो प्राइमाक्विन का यहाँ पे मैंने कोई शो नहीं किया कि वो फास्ट एक्ट करती है स्लो। वो रीजन क्या है, क्योंकि वो ड्रग एरिथ्रोसाइटिक फेज में एक्ट ही नहीं करती। और मैं यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ कि एरिथ्रोसाइटिक फेज में उनका एक्शन कैसा है, फास्ट या स्लो। तो एरिथ्रोसाइटिक फेज में वो ड्रग प्राइमाक्विन एक्ट नहीं करती, इसलिए शॉर्ट या लॉन्ग मैंने कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें, आर्टेमिसिनिन जो ड्रग है वो फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग है, सभी ड्रग में सबसे फास्ट एक्ट करती है। उसके अलावा क्लोरोक्विन है वो फास्ट एक्टिंग है, और उसके अलावा बाकी ड्रग है इंटरमीडिएट कैटेगरी में आती है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, आर्टेमिसिनिन फास्टेस्ट और क्लोरोक्विन है वो फास्टली एक्ट करती है। फिर आती है हाफ लाइफ पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोक्विन मेफ्लोक्विन वो लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि क्यूलिन ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग है। प्रोगेनिला वो भी शॉर्ट एक्टिंग है। इसके अलावा पाइरिमिथामिन और सल्फोनामाइड वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक है वो शॉर्ट एक्टिंग है। आर्टेमिसिनिन ड्रग है वो भी शॉर्ट एक्टिंग है। और यहाँ पे लास्ट की जो कैटेगरी है अमीनो एल्कोहल और नेफ्थोपायरेटिन, वो दोनों ड्रग क्या है, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, फिर आते हैं हिप्नोजोइड्स, या जिसको हम बोलते हैं एक्सो इथ्रोसाइटिक साइजेंट्स को जो ड्रग किल करती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के अंदर एक्सो इथ्रोसाइटिक स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वीवैक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ड्रग इफेक्टिव है हिप्नोजोइड्स के अगेंस्ट या एक्सो इथ्रोसाइटिक साइजेंट्स के अगेंस्ट वो कौन सी है, 8 अमीनोक्विनोलिन ड्रग प्राइमाक्विन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राइमाक्विन ड्रग है वो हिप्नोजोइड्स को किल करती है। नेक्स्ट है गैमेट्स, कौन सी ड्रग है वो गैमेट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे जो आप ड्रग देखोगे, यहाँ पे जो ड्रग है क्यूनिन ड्रग क्या काम करती है, वो प्लाज्मोडियम वीवैक्स के गैमेट्स को किल करती है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के अगेंस्ट वो इफेक्टिव नहीं है। दूसरा प्राइमाक्विन ड्रग है वो भी गैमेट्स को किल करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोग्वेनिल ड्रग काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना प्रोग्वेनिल ड्रग गैमेट्स को किल नहीं करती, वो सिर्फ क्या काम करती है, उनकी ग्रोथ के या उनकी डेवलपमेंट को इंटरफियर करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो प्रोग्वेनिल ड्रग है वो गैमेट्स को किल नहीं करेगी, वो सिर्फ क्या काम करेगी, उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्टेमिसिनिन ड्रग भी गैमेट्स को किल करती है। तो सिर्फ दो ड्रग मेजरली इंपोर्टेंट है, एक तो प्राइमाक्विन, दूसरा आर्टेमिसिनिन जो गैमेट्स को किल कर रही है। थर्ड है जहां पे क्यूनिन ड्रग क्या काम कर रही है कि वो वीवैक्स के गैमेट्स को किल करती है, लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के गैमेट्स को किल वो नहीं करती। और लास्ट है कि प्रोग्वेनिल ड्रग क्या काम करती है, वो गैमेट्स को किल नहीं करती, इससे उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। कि नेक्स्ट है कि प्री इथ्रोसाइजोन के अगेंस्ट क्या रिएक्शन है, प्री इथ्रोसाइटिक साइजोन्स के अगेंस्ट इन ड्रग का क्या इफेक्ट है। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे जो ड्रग है प्रोग्वेनिल ड्रग क्या करती है, फाल्सीपैरम के जो
साइजोन से या प्री इथोसाइटिक स्टेज है उसको ये किल करती है, वीवैक्स के अगेंस्ट इसके इफेक्ट नहीं है। दूसरा है प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन ड्रग दोनों प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एज वेल एज वीवैक्स दोनों के गैमेट्स सॉरी दोनों की प्री इथोसाइटिक स्टेज को किल करता है, बाकी ड्रग कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर ओवरऑल आप देखोगे प्राइमाक्विन ड्रग काफी इंपोर्टेंट है, प्राइमाक्विन ड्रग हिप्नोजोइड्स या एक्सो इथोसाइटिक स्टेज को भी किल कर रही है, गैमेट्स को भी किल कर रही है और प्री इथोसाइटिक स्टेज उसको भी किल कर रही है। दूसरे जो इंपोर्टेंट है वो क्या है, आर्टेमिसिन, आर्टेमिसिन क्या है इथोसाइटिक एजेंट्स को भी किल कर रही है साथ में गैमेट्स को भी किल कर रही है। थर्ड जो ड्रग इंपोर्टेंट है वो है प्रोगोनिल, प्रोगोनिल ड्रग इथोसाइटिक एजेंट्स को भी किल कर रही है साथ में क्या काम कर रही है फाल्सिपेरम की प्री इथोसाइटिक स्टेज उसको भी किल कर रही है और नेक्स्ट क्या है गैमेट्स की ग्रोथ या डेवलपमेंट को भी वो अफेक्ट करती है। ठीक है ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट थे एंटी मलेरियल ड्रग्स के जो एक ही वीडियो में हमने कवर किए हैं कि कौन सी ड्रग प्री इथोसाइटिक एजेंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, कौन सी गैमेट्स के अगेंस्ट, कौन सी हिप्नोजोइड्स के अगेंस्ट और कौन सी इथोसाइटिक। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन। तो प्राइमाक्विन ड्रग क्या है कि वो इथोसाइटिक स्टेज के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, बाकी वो तीनों स्टेज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। क्लोरोक्विन ड्रग मेनली कहां पे इफेक्टिव है इथोसाइटिक, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ है और जो मेजरली प्रेफर हम जिस ड्रग को करते हैं वो कौन सी है क्लोरोक्विन ड्रग। ठीक है और फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है वो है आर्टेमिसिन और उसकी एक्टिविटी किसकी वजह से होती है एंडोपेरोक्साइड ब्रिज की वजह से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।